अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू फैज़ी खान्स लाइव्स यूट्यूब चैनल। आज मैं हम बना रहे हैं बट कढ़ाई, तो मैंने सोचा कि उन्हें रेसिपी शेयर कर दी जाए। ये मैंने बट लिया है, 3 किलो ये बट है। उसके बाद ये मैंने 8 से 9 अदद प्याज लिए हैं जिनको मैंने कट कर लिया है। ये हमारे पास है 1 कप, एक और आधा कप जो है अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये हमारे पास 2 टीस्पून जो है वो नमक है, 1.5 टीस्पून जो है वो जीरा काली मिर्च का पाउडर है, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून हल्दी, और ऑयल जो है वो हसब ज़रूरत जितना हमें यूज़ करना है। सबसे पहले हम कुकर में बट डालेंगे। हम इसमें कोई ऑयल यूज़ नहीं करेंगे, विदाउट ऑयल कुकिंग करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। हम इसमें ऐड करेंगे प्याज जो हमने कट करके रखे थे। मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा था इसलिए मैंने थोड़ा सा रख लिया है, बाकी यूज़ कर लिया है। और इसमें ऐड करेंगे नमक, अब हम इसमें ऐड करेंगे जीरा काली मिर्च का पाउडर, अब हम इसमें ऐड करेंगे पिसी लाल मिर्च, अब हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला, हल्दी, अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे सारे मसालों को बिल्कुल अच्छी तरीके से, ऊपर नीचे मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाए। सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। मैंने इस बोल के हिसाब से 1 बोल पानी लिया है, अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम कुकर को बंद करेंगे। अब हम इसे 1 घंटे के लिए कुक करेंगे प्रेशर कुकर में ताकि बट अच्छी तरीके से गल जाए, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। हमने सीटी खोल दी है, ये कुक होने में कम से कम 2 घंटे लगे। 1 घंटे में हमने खोल के चेक किया था तो ये जब तक अच्छे से कुक नहीं हुआ था, गला नहीं था, तो हमने जो है दोबारा इसे कुक किया है 1 घंटे और। अब हम इसे खोलेंगे जी। तो अब हम खोल रहे हैं, आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से ये कुक हुआ है। जब हमने इसे कुक करने के लिए रखा था तो ये कितना बिल्कुल फुल था कुकर, अब जो है हाफ है। अच्छे से कुक हो गया ये, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। हमने अब एक कढ़ाई ली है, इसमें हम ऑयल डालेंगे और प्याज ब्राउन करेंगे। जी तो हम इसमें ऑयल डालेंगे प्याज ब्राउन करने के लिए। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे,
और हम इसे अब प्याज को अच्छे से ब्राउन करेंगे। देख सकते हैं हमारा प्याज जो है वो अच्छी तरीके से ब्राउन हो चुका है। हम इसमें ऐड करेंगे बट जो हमने तैयार किया है। जी तो हमने सारा जो कुक किया हुआ बट था वो हमने इसमें डाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला 1 टीस्पून। जी तो सबसे पहले हम गार्निश करेंगे। हमारा जो बट है वो बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे गार्निश करेंगे हरी मिर्चों से। ये हमने हरी मिर्च कट किए थे 3 से 4। अब उसके बाद हम ऊपर से ज़ीरा काली मिर्च, भुने हुए ज़ीरा काली मिर्च को हमने अच्छे से पीस लिया था। अब इसे हम ऊपर से स्प्रिंकल कर रहे हैं और अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। अब हम ऊपर से हरा धनिया गार्निश करेंगे। हमारा जो बट कढ़ाई है वो हमारी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे सर्व करेंगे।